तो फाइनली ब्लैक शार्क अपना न्यू स्मार्टफोन ब्लैक शार्क 3 को जल्द ही मार्केट में लेकर आने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हो गाइज, लास्ट ईयर ब्लैक शार्क ने ब्लैक शार्क 2 को इंडिया में लॉन्च किया था, जो कि पूरी तरह से गेमिंग लवर को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया था। और इंडिया में गेमिंग लवर को ये फ़ोन काफ़ी पसंद भी आया था, जिसके चलते शॉपिंग वेबसाइट पर इसको काफ़ी अच्छी रेटिंग भी मिली हुई है। तो उसी के चलते अब ब्लैक शार्क जल्द ही अपना न्यू फ्लैगशिप स्मार्टफोन ब्लैक शार्क 3 को इंडिया में लॉन्च करने वाला है, जो कि सीधा सीधा 1+8T को कम्पीट करने वाला है। तो चलो गाइज, बताता हूँ आपको इस फ़ोन के दमदार फीचर के बारे में। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर लेटेस्ट टेक वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो गाइज, फीचर की बात करें तो सबसे पहले फ़ोन की डिस्प्ले के बारे में बता दूं, फ़ोन में 6.41 इंच का एमोल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1440x2560 पिक्सल का होने वाला है। तो गाइज, वहीं कैमरा की बात करें तो फ़ोन में डुअल रियर कैमरा दिया गया है, जिसमें पहला 48 मेगापिक्सल का और दूसरा 16 मेगापिक्सल का कैमरा विद एलईडी फ्लैश के साथ आएगा, जिसका इमेज रेजोल्यूशन 8000x6000 पिक्सल होने वाला है। साथ ही बात करें सेल्फी कैमरा की, तो फ़ोन में 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होने वाला है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें वहीं प्रोसेसर की, तो फ़ोन में चिपसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 ओक्टा कोर प्रोसेसर होने वाला है, जो कि प्रोसेसिंग के लिहाज से अब तक का सबसे दमदार प्रोसेसर है। तो यार, फ़ोन पूरी तरह से इस पर गेमिंग बीस्ट होने वाला है, जो गेमिंग लवर को काफ़ी पसंद भी आने वाला है। तो दोस्तों, अगर हम वहीं बात करें मेमोरी की, तो फ़ोन में 12 GB रैम और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, वहीं अगर बात करें फ़ोन की बैटरी की, तो फ़ोन में 4720 mAh की दमदार बैटरी होने वाली है। साथ ही बात करें चार्जिंग की, तो फ़ोन में 65W का फास्ट चार्जिंग अडैप्टर होने वाला है, जो USB Type-C पोर्ट के साथ में आने वाला है। वहीं फ़ोन पूरी तरह से 5G पर वर्क करने वाला है। वहीं बात करें फ़ोन के प्राइस की, तो इसका प्राइस 42K से 47K यानी 42,000 से 47,000 के बीच में होने वाला है। और इंडिया में लॉन्च की बात करें तो फ़ोन अप्रैल लास्ट वीक या जून फर्स्ट वीक में लॉन्च होगा। तो देखने वाली बात यह होगी कि ब्लैक शार्क 3 1+8T को कम्पीट कर पाएगा या नहीं। तो आप कमेंट करके बताइएगा गाइज कि क्या ब्लैक शार्क 3 1+8T को कम्पीट कर पाएगा या नहीं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।